एक साल पहले हमास ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही 250 लोग बंधक भी बना लिए गए थे। इस हमले के बाद से इसराइल और हमास के बीच संघर्ष बहुत बढ़ गया है। इसका नतीजा गाजा में एक भयानक मानवीय संकट और एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में सामने आया है। इसराइल की सैन्य प्रतिक्रिया ने बड़ी संख्या में पैलेस्टीनियन लोगों को हताहत किया है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कड़ी आलोचना और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग उनसे बंधकों को रिहा करने के लिए बातचीत करने का आह्वान कर रहे हैं। इस संघर्ष में 41,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन मारे गए हैं। शांति स्थापित करने के प्रयास काफी हद तक असफल रहे हैं। इस संघर्ष में हेजबोला और ईरान के शामिल होने से हिंसा और विस्थापन को और बढ़ावा मिला है। यूनाइटेड स्टेट्स इस संघर्ष में एक कठिन रास्ते पर चल रहा है। वे इसराइल के लिए समर्थन और मानवीय स्थिति के बारे में चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनयिक प्रयास ठप हो गए हैं और स्थिति अस्थिर बनी हुई है। गाजा स्ट्रिप में मानवीय स्थिति बेहद गंभीर है। ये इसराइल के सैन्य अभियान का सीधा परिणाम है। हजारों पैलेस्टीनियन अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। आवश्यक चीजों की भारी कमी है। इनमें भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता शामिल है। गाजा में फंसे लोगों तक सहायता पहुंचाने के अपने प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल का कहना है कि वह नागरिक हताहतों को कम करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हालांकि पैलेस्टीनियन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि इसराइल अत्यधिक बल का प्रयोग कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने गाजा में संभावित युद्ध अपराधों की जांच का आह्वान किया है। मानवीय संकट और हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्धरत पक्षों के बीच तत्काल युद्ध विराम और बातचीत का आग्रह कर रहा है। लक्ष्य संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजना है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए बातचीत करने हेतु इसराइल पर तीव्र अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य देशों ने बंधकों को रिहा करने की अपील की है। कुछ देशों ने मध्यस्थता की पेशकश भी की है। हालांकि इसराइल ने अब तक हमास के साथ बातचीत करने से इनकार किया है, जिसे वह एक आतंकवादी संगठन मानता है। इसराइल का कहना है कि वह आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने बंधकों को मुक्त कराने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। इस बीच बंधकों के परिवार वाले अपने प्रियजनों की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं और उनकी बेसब्री बढ़ती जा रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने और अपने परिवार के सदस्यों की रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। भाग 4, क्षेत्रीय संघर्ष में बदलता रूप। इसराइल हमास संघर्ष ने लेबनान के हेजबोला और यमन के हूथी विद्रोहियों को इस संघर्ष में शामिल कर लिया है। हेजबोला ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं और इसराइल ने लेबनान में हेजबोला के ठिकानों पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई की है। हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के करीबी सहयोगी सऊदी अरेबिया पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों ने इस चिंता को जन्म दिया है कि यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने का आह्वान किया है। यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। भाग 5, शांति की निष्फल खोज। इसराइली पैलेस्टीनियन संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। हालांकि अब तक सभी प्रयास विफल रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास और दुश्मनी ने किसी भी समझौते को लगभग असंभव बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है, जिसमें इसराइल और पैलेस्टाइन शांति और सुरक्षा के साथ साथ रहते हैं। हालांकि इस समाधान को लागू करने में कई बाधाएं हैं, जिनमें जेरूसलम की स्थिति, बस्तियों का भविष्य और पैलेस्टीनियन शरणार्थियों के अधिकार शामिल हैं। जब तक दोनों पक्ष समझौता करने की इच्छा और सद्भावना की भावना के साथ बातचीत की मेज पर नहीं आते, तब तक संघर्ष जारी रहने और क्षेत्र में अस्थिरता का स्रोत बने रहने की संभावना है।